सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो ऐश ने अभी तक ऑलमोस्ट हर एक टाइपिंग के पोकेमोन को पकड़ा है और आज हम सारे ऐश के 18 टाइपिंग के पोकेमोन के बारे में फैक्ट देखने वाले हैं। सारे फैक्ट्स काफी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ, जो कि होगा फायर टाइप पोकेमोन के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है गलार इकलौता ऐसा रीजन है जहां पे ऐश ने कोई फायर टाइप पोकेमोन को नहीं पकड़ा है। ऐश के पास कैंटो में चारिज़ार्ड था, जोटो में क्विलावा था, हुइन में टॉर्कोल था, सिनो में इन्फर्नेप था, यूनोवा में पिग्नाइट था, कैलोस में टैलोनफ्लेम था और अलोला में इंसिनरोर था। पर पोकेमोन जर्नीस कुछ एपिसोड्स में एंड होने वाली है, पर अभी तक ऐश ने कोई भी फायर टाइप पोकेमोन नहीं पकड़ा है और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऐश ने किसी रीजन में फायर टाइप पोकेमोन को ना पकड़ा हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ऐश के 2 फायर टाइप पोकेमोन सेम अपोनेंट के सामने इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहला है इंसिनरोर, जो कि दोनों बार प्रोफेसर कुकुई से बैटल करते हुए इवॉल्व हुआ है, और सेकंड है ऐश का इन्फर्नेप, जो कि बैटल करते हुए तो नहीं पर दोनों बार पॉल के सामने इवॉल्व हुआ है। सबसे पहली बार वो पॉल के साथ बैटल करते हुए इवॉल्व हुआ था एंड सेकंड टाइम वो टीम रॉकेट से फाइट करते हुए इवॉल्व हुआ था, पर वहां पे पॉल भी था और उसने चिमचार को दोनों बार इवॉल्व होते हुए देखा है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट है ऐश के वाटर टाइप पोकेमोन्स के बारे में। क्या आपको पता है वाटर टाइप इकलौती ऐसी टाइपिंग है जिसका कोई पोकेमोन ऐश को ट्रेड से मिला था, एंड आपको पता होगा वो पोकेमोन था ऐश का प्योर वाटर टाइप पोकेमोन ब्यूजेल, जिसके लिए ऐश ने डॉन के साथ ट्रेड किया था। डॉन ने ऐश को ब्यूजेल दिया और ऐश ने डॉन को एपॉम दिया। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट है ऐश के इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के बारे में। ऐश ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन पकड़ा है, जो कि है पिकाचू, पर इसके बाद भी ऐश के पिकाचू ने ऐश के किसी और टाइपिंग के पोकेमोन के मुकाबले सबसे ज्यादा बैटल लड़ी, जीती और टाई की है। और पिकाचू 55 मैचेस हारा है, वहीं पे 7 मैचेस उसने टाई किए हैं, और ऐश के किसी भी टाइपिंग के सारे पोकेमोन को मिलाकर इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा जा सकता। फैक्ट नंबर 5, पिकाचू ऐश का इकलौता पोकेमोन है जो कि किसी एवोल्यूशन स्टोन से इवॉल्व होता है। स्नोरंट भी डॉन स्टोन से फ्रोस्टलैश में इवॉल्व होता है, पर ऐश का स्नोरंट इवॉल्व हुआ था ग्लेली में, जिसके लिए कोई भी एवोल्यूशन स्टोन की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 6 है ऐश के घोस्ट टाइप पोकेमोन के बारे में। क्या आपको पता है ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही घोस्ट टाइप पोकेमोन है, जो कि है गेंगार, जिसको ऐश ने पोकेमोन जर्नीस में कैच किया है। फैक्ट नंबर 7 है ऐश के फेरी टाइप पोकेमोन के बारे में। फेरी एक लौती ऐसी टाइपिंग है जिस टाइपिंग का पोकेमोन ऐश के पास नहीं है, और मिस्टर माइम ऐश का नहीं बल्कि उसके मॉम का पोकेमोन है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट है ऐश के फ्लाइंग टाइप पोकेमोन के बारे में। फ्लाइंग ये एक लौती ऐसी टाइपिंग है जिसके पोकेमोन को ऐश ने हर एक रीजन में पकड़ा है। कैंटो में ऐश ने पिजियोट को पकड़ा था, जोटो में नॉकटाउल, होइन में स्वेलो, सिनो में स्टारडेप्टर, यूनोवा में अनफेजेंट, कैलोस में टैलोनफ्लेम, अलोला में राउलेट और फाइनली गलार में ड्रैगनाइट। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट है ऐश के ग्रास टाइप पोकेमोन के बारे में। ऐश ने कैंटो से लेकर यूनोवा तक हर एक रीजन में ग्रास टाइप पोकेमोन पकड़े थे। कैंटो में ऐश के पास बल्बसौर था, जोटो में बेलीफ, होइन में सैप्टाइल, सिनो में टॉर्टेरा, यूनोवा में स्नाइवी और लिबैनी, पर इसके बाद कैलो सबसे पहला ऐसा रीजन बना जहां पे ऐश ने कोई भी ग्रास टाइप पोकेमोन को नहीं पकड़ा था। फिर अलोला में ऐश ने राउलेट को पकड़ा एंड अगेन पोकेमोन जर्नीस में ऐश ने कोई भी ग्रास टाइप पोकेमोन को नहीं कैच किया है। फैक्ट नंबर 10 है ऐश के साइकिक टाइप पोकेमोन के बारे में। वेल, फेरी टाइप के तरह ऐश ने किसी भी साइकिक टाइप पोकेमोन को ऑफिशियली कैच नहीं किया है, एंड अगेन हम यहाँ पे मिस्टर मैम को नहीं गिनेंगे। फैक्ट नंबर 11 है ऐश के ग्राउंड टाइप पोकेमोन के बारे में। ऐश का सबसे पहला एक पोकेमोन ग्राउंड टाइप पोकेमोन था, जो कि था फैन पी, एंड ये आगे जाकर डॉन फैन में इवॉल्व हो जाता है। ऐश को इससे पहले टोगेपी और लार्विटार मिले थे एक्स से, बट वो ऐश के पोकेमोन नहीं बन पाए। फैक्ट नंबर 12 है ऐश के डार्क टाइप पोकेमोन के बारे में। क्या आपको पता है किसी मेन कैरेक्टर ने सबसे पहली बार डार्क टाइप पोकेमोन को यूनोवा रीजन में पकड़ा था, और वो मेन कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि ऐश था, जिसने स्क्रैगी को पकड़ा था। फैक्ट नंबर 13 है ऐश के स्टील टाइप पोकेमोन्स के बारे में। ऐश ने अपना सबसे पहला स्टील टाइप पोकेमोन पकड़ा था अलोला रीजन में, जो कि था मेलमेटल, और ये स्टील टाइप पोकेमोन ऐश का हैवीएस्ट यानी कि सबसे भारी पोकेमोन है, जिसका वेट 800 kg है।
फैक्ट नंबर 14 है एश के आइस टाइप पोकेमोन के बारे में। क्या आपको पता है एश का आइस और वाटर टाइप पोकेमोन लैप्रेस सबसे पहला पोकेमोन है जिसको बड़ा होते हुए दिखाया गया है। जब एश ने उसको रिलीज किया था तब वो बाकी लैप्रेस से छोटा था, पर जब एश जोटो में लैप्रेस से वापस मिलता है तब लैप्रेस बड़ा हो चुका था और वो अपने ग्रुप का लीडर भी बन चुका था, जिस वजह से एश उसको नहीं पहचान पाया था। फैक्ट नंबर 15 है एश के रॉक टाइप पोकेमोन के बारे में। क्या आपको पता है एश का इकलौता पोकेमोन जो कि ट्रेड से इवॉल्व होता है वो रॉक टाइप है, जो कि है बोल्ड, और ये एश का फर्स्ट रॉक टाइप पोकेमोन है एंड ये ट्रेड से गीगालिथ में इवॉल्व होता है। फैक्ट नंबर 16 है एश के पॉइजन टाइप पोकेमोन के बारे में। क्या आपको पता है एश का पॉइजन और घोस्ट टाइप पोकेमोन गेंगार इकलौता ऐसा पोकेमोन है जिसको डायनामैक्स और जैगंटामैक्स दोनों होते हुए दिखाया गया है, और ये चीज अभी तक पोकेमोन एनिमे का कोई और पोकेमोन नहीं कर पाया है। फैक्ट नंबर 17 है एश के नॉर्मल टाइप पोकेमोन के बारे में। क्या आपको पता है एश के नॉर्मल टाइप पोकेमोन ने एक सिंगल बैटल में सबसे ज्यादा मूव्स का यूज किया है, और शायद से आप लोगों को ये पता होगा कि वो पोकेमोन है स्नोरलैक्स, जिसने एश वर्सेस ग्रेटा बैटल में 6 अटैक्स का यूज किया था, और वो सारे अटैक्स थे हाइपर बीम, हेडबट, प्रोटेक्ट, आइस पंच, रेस्ट और बॉडी स्लैम। नेक्स्ट फैक्ट है एश के फाइटिंग टाइप पोकेमोन्स के बारे में। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि एश के किस पोकेमोन का सबसे ज्यादा विन रेट है? वेल, वो पोकेमोन और कोई नहीं बल्कि एश का प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमोन प्राइमेप है। प्राइमेप ने एश की ओनरशिप में एक भी बैटल नहीं हारी थी एंड उसका विन रेट 100% था। इतना विन रेट एश के किसी भी पोकेमोन का नहीं है। एक टाइम के लिए ड्रैगनाइट का था पर वो एश वर्सेस रेहान बैटल में हार गया। फैक्ट नंबर 19 है एश के ड्रैगन टाइप पोकेमोन के बारे में। क्या आपको पता है गिबल को छोड़कर एश के सारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन फुली इवॉल्व हुए हैं। एश का नॉइवन फुली इवॉल्व है, एश की गुड्रा फुली इवॉल्व है, एश का नागनाडिल फुली इवॉल्व है और एश का ड्रैगनाइट भी फुली इवॉल्व है, जबकि एश के ज्यादातर पोकेमोन फुली इवॉल्व नहीं होते। फाइनली लास्ट फैक्ट यानी कि फैक्ट नंबर 20 है एश के बग टाइप पोकेमोन्स के बारे में। क्या आपको पता है एश का सबसे पहला कैश रिलीज या फिर इवॉल्व होने वाला पोकेमोन एक बग टाइप पोकेमोन ही था, जो कि थी बग और फ्लाइंग टाइप की पोकेमोन बटरफ्री। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।